हेलो स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10। हम पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुके थे डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो हमने फ्लावर में देखा था कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है, और हमने पता किया था कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है। और अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सीड। एक प्रमुख टॉपिक है जो काफी पेपरों में आता है कि सीड क्या है। तो हम इसमें सीड क्या है इसको बताने के लिए आपके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये ओवरी का भाग है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी आती है, तो हमने ओवरी का भाग बनाया है। तो इसमें मैं आपके लिए तीन चीजें बना रहा हूँ। तो ये आपका, हम जानते हैं कि इसको ओवरी कहते हैं, इसको ओव्यूल कहते हैं, और इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसमें समझ लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये ओवरी आपको नजर आ रही है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ओव्यूल आपको नजर आ रहा है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एम्ब्रियो सेल नजर आ रहा है, ये आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे कैसे सीड बनता है, फ्रूट कहाँ से बनता है, और एम्ब्रियो का निर्माण कहाँ से होता है। तो ओव्यूल के डेवलपमेंट से सीड बनता है, एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है, और ओवरी के डेवलपमेंट से फ्रूट बनता है। या ये हम आसानी से समझ चुके हैं। अब हम इसमें बात कर रहे हैं सीड क्या है। तो हम देखें, द सीड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इट इज फॉर्म from the ovule after fertilization, ये fertilization के बाद बन जाता है। तो हमने देखा कि seed plant का reproductive भाग है जो fertilization के बाद ovule से develop होता है। अब जो सीड है, अब हम बात कर रहे थे, सीड कवर्ड बाय फॉलोइंग टू लेयर्स। सीड दो लेयर से कवर्ड रहता है, पहली होती है टेस्टा और दूसरी है टेबल। तो टेस्टा क्या है? This is the hard layer. ये सीड की हार्ड लेयर कहलाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और दूसरा आता है टेपमेंट। ये दिस इज द सॉफ्ट लेयर of the seed made up of subcellulose. ये subcellulose यानी कि cellulose से छोटे छोटे pigment होते हैं, cellulose की तरह ही नजर आते हैं, ये उनसे बनी होती है। तो जो testa होता है वो hard cover होता है seed का, जो seed को विभिन्न प्रकार की environmental conditions से protect करता है, क्योंकि seed environment में
गिर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसों पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, या उसके अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो पर भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसको हम टेस्टा कहते हैं। तो टेस्टा हमारे शरीर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद टीमेन सॉफ्ट पार्ट होता है, जो सीड के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि एम्ब्रियो पर कोई नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार सीड हमारा वर्क करता रहता है। यदि हम सीड की बात करें और तो जो सीड होते हैं, द सीड आर ऑफ टू टाइप्स, सीड दो प्रकार के होते हैं आप जानते हैं। पहला मोनोकोटिलेडॉन और दूसरा है डाइकोटिलेडॉन। तो वे सीड जिनमें एक कोटिलेडॉन पाया जाता है, हम इसमें बात करते हैं कोटिलेडॉन की। तो कोटिलेडॉन क्या होता है? कोटिलेडॉन एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट होता है। जब सीड को गाढ़ा जाएगा, जब इनमें जर्मिनेट यानी कि दबाया जाएगा, तो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें छोटे छोटे पट से खुल जाते हैं सीड में, तो जो बन रहे प्लांट के प्लूमूल और रेडिकल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, उसको कोटिलेडॉन कहते हैं। तो जिसमें एक कोटिलेडॉन होता है उसको मोनोकोटिलेडॉन सीड कहते हैं, जिसमें दो कोटिलेडॉन पाए जाते हैं इसको डाइकोटिलेडॉन सीड कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं चने का, ये चना है। तो जब चने को आप ऐसे करके खोल देंगे तो चने के कुछ पार्ट नजर आते हैं, इसके बीच में आपको कुछ इस तरह की लाइनें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये एक छोटे से खोल से कवर्ड रहता है इस तरह से। जब आप चने को गाड़ देते हैं तो चने में से ऐसे करके दो रूट्स टाइप की निकल आती हैं। तो ऊपर वाली चीज को हम प्लूमूल कहते हैं और नीचे वाली को रेडिकल कहते हैं। ये जो है, अब ये जो आपको चीजें नजर आ रही है, इन्हीं को कोटिलेडॉन कहते हैं, कोटिलेडॉन। और ये बाहर वाला जो पर्दा है ये टेस्टा कहलाता है, और अंदर वाली जो लेयर है वो टीगमेन कहलाती है। तो इस तरह से हम सीड की इस प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं कि सीड में कैसी कैसी चीजें पाई जाती हैं। और सीड को जब जर्मिनेट किया जाएगा, जैसे कि हम सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब यहाँ सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये धरती वाला भाग है जहां पर हमने सीड को गाड़ दिया है, यहाँ सीड को गाड़ दिया है। तो अब आप देखेंगे जब सीड गाड़ा जाएगा तो सीड में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और सीड दो भागों में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बनाएगा प्लूमूल और दूसरा बनाएगा रेडिकल। फिर इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलने लगी और ये जो कोटिलेडॉन वाला भाग था वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। उसके बाद ये धरती से बाहर निकला, यहाँ पर ये कोटिलेडॉन वाला भाग इकट्ठा हो गया। अब ये जो यहाँ से नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती है, अब ये इस तरह से एक नन्हा पौधा बन जाएगा। इसी नन्हे पौधे को हम सीडलिंग कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक सीड जर्मिनेशन करने के बाद एक नन्हा पौधा बना लेता है। तो सीड जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद वो सॉइल में पाए जाने वाले नमी या मॉइस्चर को सोखता है और मॉइस्चर के संपर्क में आता है, उसका जो टेस्टा होता है वो फट जाता है। और टेस्टा फटने के बाद उसके अंदर पाए जाने वाला एम्ब्रियो ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद एक नया पेड़ बना लेता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये सीड वाला भाग था। इस प्रकार सीड के बारे में हमने समझा कि सीड किस प्रकार वर्क करता है और कैसे एक नन्हे पौधे को जन्म देता है। सीड एक प्रमुख टॉपिक है जो आपके पेपर में काफी हद तक पूछा जाता है। तो सीड भी हमको पता लगे कि दो प्रकार के सीड होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन, जिसमें एक कोटिलेडॉन पाया जाता है एज अ न्यूट्रिटिव एलिमेंट, उसको मोनोकोटिलेडॉन कहते हैं। जिनमें दो कोटिलेडॉन पाए जाते हैं एज अ न्यूट्रिटिव एलिमेंट, उनको
डाइकोटिलेडोन सीड कहते हैं। इस प्रकार आप सीड के बारे में ये जानकारी ले सकते हैं। तो हमने वो सीड के बारे में पढ़ा, अब हम इसके बाद फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रूट्स क्या है, जब फ्लावर में ओवरी पक जाती है तो हमको पता है कि ओवरी जो है वो कार्पस की बनी होती है और इसमें बहुत सारे कार्पस पाए जाते हैं जो आपस में जुड़कर एक ओवरी का यानी गुंबदनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। तो जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद पक जाती है तो पकने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ऐसे एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो टेस्ट करने में स्वीट होते हैं और इसलिए ओवरी मीठी हो जाती है और इसी को हम फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद पक जाती है। अब ओवरी जब पक गई तो एक फ्रूट बन गया। तो यहाँ ये फ्रूट का एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या है, स्मूथ अपर लेयर ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। ऊपर की जो स्मूथ लेयर है ये वाली फ्रूट की, इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्सोकार्प जो बाहर का है, मीसोकार्प जो मिडिल वाला है और एंडोकार्प जो अंदर वाला भाग होता है। ये तीनों भाग मिलाकर पेरिकार्प बनाते हैं। इस प्रकार एक फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि फ्रूट किस तरह से बना। अब जो फ्रूट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट्स और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, तो वे फ्रूट जिनमें जब ओवरी पक रही थी तो ओवरी को पकने के लिए फ्लावर के अन्य पार्ट्स जैसे कि सेपल से, पेटल से, एंथर है, गाइनोशियम, इन चीजों की अलग आवश्यकता नहीं थी। वो बिना किसी की हेल्प के ओवरी पक गई। जब ओवरी बिना किसी की हेल्प के पक जाती है यानी कि फ्लावर के अन्य पार्ट की सहायता नहीं लेती, उसको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जैसे मैंगो। और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, वे फ्रूट्स जिनमें ओवरी को पकने के लिए फ्लावर के अन्य पार्ट जैसे सेपल से, पेटल से, पेटियोल्स हैं, इन सब की सहायता की आवश्यकता होती है और बिना किसी की सहायता से ये ओवरी पक नहीं सकती, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट में जैसे मैंगो, आप कच्चा मैंगो आप मार्केट से लेके आएंगे, कच्चा आम, तो आप यदि कुछ दिनों उसको घर पर रखते तो आप देख सकते हैं कि वो पक जाता है, पकने के बाद पीला पड़ जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसको यानी कि उसकी ओवरी को पकने के लिए किसी अन्य पार्ट्स की आवश्यकता नहीं थी, यानी किसी और की हेल्प की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप पक गई। और फॉल्स फ्रूट जैसे आप सेब को आप कच्चा सेब पेड़ से तोड़ेंगे तो वो सड़ जाता है, वो सड़ने के बाद खराब हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उसकी ओवरी को पकने के लिए फ्लावर के अन्य पार्ट की सहायता की आवश्यकता थी। इस तरह से हम फ्रूट्स के बारे में समझ सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए जो पेपरों में आएंगे, इन सबको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद फिर हम नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।